पिछोर विधायक केबी सिंह के समर्थन में पोहरी थाने का घेराव कर कांग्रेसियों ने एसपी के नाम पोहरी एसडीओपी को सौंपा ज्ञापन। खबर पुलिस थाना पोहरी से है, जहां पर आज सोमवार की दोपहर करीब 1 बजे पोहरी थाना पहुंचकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आफाक अंसारी ने जानकारी देते हुए बताया है कि पिछोर विधायक केपी सिंह के विरुद्ध भाजपा के दबाव में पिछोर पुलिस द्वारा झूठा प्रकरण दर्ज किया गया है, जिसकी जांच कराकर प्रकरण समाप्त किया जाए, क्योंकि पिछोर पुलिस इस प्रकरण को भाजपा सरकार के दबाव में बना रही है एवं प्रकरण के जांच कराकर उसे समाप्त किया जाए। अन्यथा की स्थिति में प्रकरण समाप्त नहीं किया गया तो प्रदेश भर में कांग्रेस द्वारा विशाल आंदोलन किया जाएगा। तो भाजपा के राजनीतिक प्रभाव से दर्ज किए गए आपराधिक प्रकरण की निष्पक्ष जांच किए जाने बाबत उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि हम ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पोहरी के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी हैं। विगत दिवस हमारे नेता पिछोर विधायक के पी सिंह जी के विरुद्ध प्रशासन ने भाजपा के राजनीतिक प्रभाव से बिना जांच किए एक मिथ्या अपराध पिछोर थाने में पंजीबद्ध कर लिया है, जबकि पिछोर विधायक का वीडियो तोड़ मोड़ के पेश किया गया है। उन्होंने कभी भी किसी भी महिला के विरुद्ध संपूर्ण जीवन काल में कोई अपमानजनक बात नहीं कही। विगत 30 वर्षों से माननीय विधायक के पी सिंह जी लगातार निर्वाचित होते रहे हैं, भाजपा लगातार पराजित होती रही है, इससे उपित होकर आसन्न चुनाव 2023 को देखते हुए विधायक जी की प्रतिष्ठा धूमिल कर उन्हें बदनाम करने के लिए ये दुष्प्रचार सोशल मीडिया व प्रचारों में किया जा रहा है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि आदरणीय केपी सिंह जी पर लगे झूठे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराई जाए, नहीं तो पौरी विधानसभा एवं शिवपुरी जिला कांग्रेस कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों के नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। धन्यवाद। पिछोर विधायक एवं पूर्व मंत्री आदरणीय केपी सिंह जी के खिलाफ जिस तरीके से भाजपा ने षड्यंत्र पूर्वक एक FIR दर्ज कराई पिछोर में, उनको जनता ही नहीं पूरा जिला जानता है कि पिछले 30 साल से उनका कार्यकाल रहा है, उन्होंने ना तो किसी महिला के बारे में और ना ही किसी आपत्तिजनक विवादों में हमारे केपी सिंह जी रहे हैं। हमेशा उन्होंने विकास की बात करी है और भाजपा हमेशा 30 साल से वहाँ हारती आई है और इसको देखते हुए भाजपा कहीं ना कहीं बौखलाई हुई है, तो उल्टे सीधे षड्यंत्र रचना और उन पर झूठे आरोप लगाना उसकी एक प्रथा रही है। निश्चित रूप से कक्काजू पर प्रभाव पड़ने वाला नहीं है और कक्काजू के साथ पूरी नारी शक्ति नहीं, पूरी कांग्रेस और पूरा शिवपुरी जिले की समस्त जनता जनार्दन उनके साथ है और निश्चित रूप से इस बार जो जीत कक्काजू के नेतृत्व में कांग्रेस की और उनकी होगी, जिससे पूरी BJP का सुपड़ा साफ निश्चित है। धन्यवाद।